कारोबारी निशांत मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने जांच प्रभावित न हो इसके लिए डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाकर किसी और पद पर तैनाती के आदेश दिए हैं। भाजपा ने इस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है, जिसके बाद कोर्ट को स्वयं आदेश देने पड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि मामला न्यायालय में है, जो फैसला सरकार को करना था वह उच्च न्यायालय को लेना पड़ रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है, प्रदेश सरकार में गरीब पीड़ित प्रताड़ित जनता की कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट का यह फैसला सरकार के मुंह पर थप्पड़ है। वहीं बलवीर वर्मा ने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की दिल्ली की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं है, एक साल के कार्यकाल पर यह जगजाहिर हो गया था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये सड़कों पर न लड़े, इससे पहले प्रभारी ने दिल्ली में बुला लिया है। इसलिए कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वैसे तो मैटर सब जुडिस है, इसमें ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते, पर बहुत ही दुखद है। सरकार की बहुत किरकिरी इस फैसले से हुई है। जो एक्शन सरकार ने लेनी थी उचित समय ना लेकर, वो सारा कार्य अब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है। और माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक ये संदेश है कि सरकार पीड़ित प्रताड़ित गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं कर रही है। अगर कोई पीड़ित प्रताड़ित और किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, वो माननीय हाईकोर्ट में आ सकता है और तुरंत एक्शन होगी। और माननीय हाईकोर्ट ने जो ये एक्शन लिया है, ये एक सरकार को बहुत बड़ा थप्पड़ है। अगर सरकार अभी भी इसमें आने वाले टाइम में ऐसे केसों में तीव्रता से एक्शन नहीं लेगी, तो सरकार की बहुत किरकिरी आने वाले समय में होगी। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी चरम सीमा पर हिमाचल प्रदेश में गिरा हुआ है, और यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत गिरी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारे बलात्कार हत्याएं हो रही हैं। सरकार बिल्कुल सोई हुई है।